हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल कढ़ाई चिकन। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है ये। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। यहाँ पे मैं मैरिनेशन प्रोसेस कर रही हूँ। चिकन मैंने यहाँ पे हाफ केजी लिया है। इसमें मैंने सॉल्ट ले लिया है हाफ स्पून, 1 स्पून टर्मरिक पाउडर ले लिया है, कोरिएंडर पाउडर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 स्पून, और रेड चिली पाउडर 1 स्पून, गरम मसाला हाफ स्पून, और 4 टीस्पून मैं इसमें कर्ड यूज़ कर रही हूँ, दही यूज़ कर रही हूँ। ये सब मसाला डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे हल्का। तो 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लिया है। इसको अच्छे से मिक्स होने के बाद मैं इसको एटलीस्ट 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 4 ओनियन, 4 टमाटर और 4 ग्रीन चिल्ली ले लिए हैं, जिनका मैं यूज़ करने जा रही हूँ अलग अलग प्रोसेस में। चलिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ ड्राई रोस्ट मसाला, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 1 टेबल स्पून धनिया साबुत और 1/2 टेबल स्पून जीरा साबुत और 5 से 6 लाल मिर्च साबुत और आधा चम्मच सौंफ। ये मसाला भुनने के बाद मैंने यहाँ पे इसको ड्राई रोस्ट कर लिया है, और यहाँ पे मैंने 1 ओनियन को बारीक काट लिया है, 1 को स्लाइसेस में काटा है और 1 टमाटो काटा है और थोड़ा सा धनिया। यहाँ पे सेम मैंने 1/2 कैप्सिकम लिया है और 1 ओनियन और 1 टमाटो को स्लाइसेस में काट लिया क्यूब्स में। यहाँ पे मैं प्रोसेस स्टार्ट कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ले लिया है ऑयल, ऑयल को स्प्रेड कर लिया है। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, जो मैंने 1 प्याज काटा था उसको मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। हल्का सा भून लेंगे इसको, ज़्यादा इसको भूनना नहीं है, हल्का हल्का ब्राउन करने के लिए ही इतने बराबर ही भूनना है। इसके बाद जो मैंने रफली टोमेटो काटे थे वो मैंने ऐड कर लिए, 1 टोमेटो मैंने यहाँ पे काटा था, और 2 से 3 आप इसमें खड़ी लाल मिर्च डाल सकते हैं, और धनिया के डंडे हमने यहाँ पे डेलना है जो टेस्ट को इन्हेंस करेगा। आप धनिया भी ले सकते हैं। इसको भून लेना है हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक, और 1/2 टीस्पून यहाँ पे सॉल्ट ऐड करना है, और लगभग मैं यहाँ पे ऐड करने जा रही हूँ 100 ml वाटर जिसमें ये पकेगा। 10 मिनट के लिए मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है। यहाँ पे ये पक गया है, ये सेमी कुक हो गया है। इसको मैं ग्राइंड करके पेस्ट बना के साइड में रख लूँगी। तो अभी तक हमने 2 पेस्ट बना लिए, एक ड्राई वाला और एक ये पेस्ट मेरा रेडी हो गया है। अब मैं फाइनल प्रोसेस में स्टार्ट कर रही हूँ। 2 से 3 टेबल स्पून आप यहाँ पे ऑयल यूज़ कीजिए, और 1 तेज़पत्ता और दालचीनी लगभग 1 इंच के बराबर, और 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 मैंने यहाँ पे लौंग ले लिया है, और 1 धनिया 1 टेबल स्पून लिया है, और जीरा 1/2 टेबल स्पून लिया है। इन सबको गोल्डन ब्राउन होने तक भून के मैं यहाँ पे जो मैंने फाइनली चॉप कर लिया था ऑनियन, जो मैंने कट करके रखा हुआ था, उसको मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। इसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। जब इतना ये भून जाए, इसमें 1 टेबल स्पून में जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अब इसके साथ इसको भून लेंगे, और ये पूरे मसाले को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनने के बाद, जो मैंने 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखा था चिकन, उसको मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें प्याज अच्छे से मिक्स हो जाए, ऑयल इसमें लग जाए हल्का हल्का। आप चाहें तो कितना भी मैरिनेट कर सकते हैं, बट मिनिमम 2 घंटे आप मैरिनेट करेंगे तो ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पे ये अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, और 10 मिनट के लिए मैं इसको बिना पानी डाले ऐसे ही कुक करने के लिए रख दूँगी धीमी आँच में। यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं और चिकन ने अपना यहाँ पे पानी छोड़ दिया। आप देख सकते हैं ऑयल अलग और पानी अलग हो गया है। इसको मैं यहाँ पे हल्का मिक्स कर दूँगी, और इस स्टेज में आके हमने यहाँ पे अपने जो टमाटो की हमने प्योरी बनाई थी
उस टोमेटो को यहाँ पे हमने ऐड कर लेना है। सॉल्ट इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 1 टेबल स्पून टर्मेरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून, और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ चिकन मसाला 1 टेबल स्पून, कैच का मैं यहाँ पे चिकन मसाला ऐड कर रही हूँ। मसाले सारे यहाँ पे ऐड हो गए हैं, अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 2 से 3 बार हमें इसमें थोड़ा थोड़ा कुक करने के लिए रखना है, जिससे कि अच्छे से इसके अंदर फ्लेवर और मसाले चले जाएँ और ये अच्छे से कुक हो जाए। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इस स्टेज में आके, हमने पहले 10 मिनट के लिए पकाया था, अब इस स्टेज में आके हम इसको मसालों के साथ 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे ये मसाला पक गया है और देख सकते हैं हल्का ड्राई हो गया है, ये मसाला चिकन ने एब्जॉर्ब कर लिया है। इसमें जो हमने एक पेस्ट बनाया था, सेकंड पेस्ट, एक तो ड्राई पेस्ट था और एक सेकंड पेस्ट था, दोनों को हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। और जो क्यूब्स हमने बनाए थे, 1 टोमेटो के 1 ऑनियन का और 1/2 कैप्सिकम का, उसको इस स्टेज में हमें ऐड कर लेना है। इसको हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, इसलिए हम इसको लास्ट में ऐड कर रहे हैं। ऑलरेडी ये कुक्ड है और जो ये प्याज का टेस्ट आएगा तो वो सेमी कुक ही रहेगा, तो उसमें अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे मैंने लगभग 100 ml के बराबर पानी ऐड किया है। कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। वैसे ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है कढ़ाई चिकन की। यहाँ पे अगेन मैं इसको 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख रही हूँ। तो लगभग ये ओवरऑल 20 से 25 मिनट पे पूरा पक के तैयार हो जाता है, जिसको हमने 2 से 3 स्टेजेस में थोड़े थोड़े टाइम के लिए पकने के लिए रखा है। और यहाँ पे ये रेडी हो गया है। गार्निश किया है मैंने इसको धनिया के साथ, अदरक के साथ, और ये खाने में रियली बहुत डिलीशियस है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट में बताइए कैसा लगा।